भाई संडे आ गया, आज सब जैसा गेम खेलूंगा। अरे यार लाइट चला गया, मोबाइल में ही खेलता हूँ कुछ। ये भी स्विच ऑफ हो गया। अरे यार आज तो नसीब भी खराब है, इस करंट का कुछ करना पड़ेगा आज। देखो तो ये क्या है, डीसी फैन। गाइस, डीसी फैन या फिर कोई भी डीसी मोटर का खास बात ये है कि अगर हम इसको कैसे भी करके घुमाते हैं, मतलब इसके पंखे को बिना करंट दिए घुमाते हैं, ये खुद करंट प्रोड्यूस करने लगता है। डीसी मोटर से डीसी जनरेटर बन जाता है ये। मैं इसको ऐसी जगह पर रखूंगा जहां हवा चलती हो और इसे करंट प्रोड्यूस करूंगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल को क्लीन करना है ऐसे। गाइस आप नोटिस कर सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। और हाँ, बड़ा पंखा लग गया है अब। और भाई साहब, मैंने इसको यहाँ पर एक प्लास्टिक का थैली पहना दिया है, अगर बारिश वर्ष आएगी तो फिर कुछ नहीं होगा इसको। और यहाँ पर ये थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर डाल दूंगा इसको। भाई और भाई साहब, मैंने इस फैन को क्लीन करके तेल वेल लगा के यहाँ पर रख दिया है, और इसके साथ दो वायर जुड़े हुए हैं, ये देखो भाई साहब। और ये वायर सीधा घर के अंदर जा रही है। अब नीचे जाके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। और ये है गाइस उसका आउटलेट, जो वायर दीवार के अंदर गई ना, वो इसी चीज से कनेक्टेड है। ये एक्चुअली पुराने लैंडलाइन फोन के लिए बना था, अब तो लैंडलाइन फोन का जमाना गया, अब मैं इससे अपना मोबाइल चार्ज करूंगा। और इस वायर के साथ एक एलईडी जोड़ दिया मैंने, अगर ऊपर पंखा घूमती है तो मुझे इस एलईडी से पता चल जाएगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। वैसे तो हवा बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी पंखा घुमा ही नहीं। मैंने वेट किया 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 और फिर किया, पंखा बिल्कुल भी नहीं घुमा। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसका जगह बदलना है। भाई साहब यहाँ तो थोड़ा सा भी घूम नहीं रहा है, इसलिए मैं एक काम करूँगा, ऊपर जाऊँगा और वहाँ पर रख दूंगा। भाई साहब मैंने इसका जगह बदल दिया है, अब जाके घूम रही है। ये देखो, नीचे वोल्टेज चेक करता हूँ। मोबाइल चार्ज होने के लिए कम से कम 5 वोल्ट की जरूरत है, और इस वाले पंखे में से जो वोल्टेज निकल रहा था वो था 3.7 वोल्ट्स मैक्सिमम, इसीलिए मैंने ये किया। पेश है जुगाड़ू विंड टरबाइन। गाइस मैंने एक और विंड टरबाइन बनाया है। ये है इसका मोटर या फिर जनरेटर, ये है इसके पंखे, और ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो फ्लाइंग चक्रे में इस्तेमाल किया था। और पंखे मोटर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए मुझे लगता है ये सही काम करेगा। फिर भी मैं पहले इसका टेस्टिंग करता हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 LED जोड़ दिया है, और हवा चलाने के लिए मैं फ़ैन का इस्तेमाल करूँगा। ओ भाई साहब ये देखो, भाई साहब 4 4 LED जल रही है। और वैसे मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लिया है वोल्टेज को चेक करने के लिए, इसको यहाँ पर रखता हूँ। ओ सही है भाई, ओ ये भाई 10.5 वोल्ट तक आ रहा है। विद्युत पैदा करने के लिए विद्युत की इस्तेमाल की जा रही है, क्या बात है, क्या सीन है। ऊपर जाके इसको लगाता हूँ पहले। और भाई साहब ये बिल्कुल तैयार है, ये रहा इसका प्लग, और ये इसके प्रोटेक्शन के लिए, बारिश से बचने के लिए। को निकालता हूँ, इस वाले को लगाता हूँ। ओ भाई अभी से घूम रही है, ये वाला मजा आएगा। सही है भाई, चलो ये तो लग गया। बारिश आएगा आज। ये देखो तो शुरू ही है। मोबाइल चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा ही निकल रहा था इसमें। इनफैक्ट एक बार वोल्टेज इतना ज़्यादा आया कि LED ही जल गया। और ये है मोबाइल चार्ज करने के लिए एक छोटा सा सर्किट, इसमें से आउटपुट वोल्टेज लिमिटेड रहता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाए तो ये कंट्रोल कर लेता है उसको। भाई ये देखो, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट
और यहाँ पे है मस्त पलंग, यहाँ पर फोन चार्ज होते रहेगी और यहाँ आराम से बैठकर गेम खेल सकता हूँ, और वायर भी इतना लंबा है। और मोबाइल कनेक्ट कर दिया है मैंने, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करके देखता हूँ। ओ ये लो गाइस, फाइनली चार्ज हो रहा है मेरा मोबाइल, दिखा रहा है इसमें चार्जिंग, हालांकि 5 घंटे दिखा रहा है फुल चार्ज होने के लिए, फिर भी यार फ्री में हो रहा है। चलो हो गया मेरा काम, फोन तो चार्ज हो रहा है, अब करंट रहे या ना रहे मेरा चलता रहेगा। बाहर बारिश आ रही है और यहाँ पर देखो, मतलब बारिश में भी काम करता है ये, सही है ना।